कल मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में देश को क्या मिला और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत विचारणीय बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं है। हरियाणा का कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवकों के लिए कोई नया उद्योग लगे, कोई मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा लोग फौज में भर्ती होते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा युवक हरियाणा से फौज में जाते हैं, परंतु हरियाणा का युवक निराश है कि उसको अग्निवीर योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। सेना को भी अस्थायी बना दिया गया। एक अडोग सैनिक बना के बॉर्डर पे भेज देना, उसका प्रशिक्षण भी पूरा ना, तो ये सेना के साथ भी बहुत निराशाजनक बात थी। इस अग्निवीर योजना को कूड़े में डालने की बात पूरे देश ने करी, हर पार्टी ने की। ये सेना के साथ भी विश्वासघात है और नौजवानों के साथ भी विश्वासघात। इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई नई बात नहीं कही गई। इस बजट के अंदर मेट्रो के जो विस्तारीकरण की मैं बात कर रहा हूं, इसको आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के अलग अलग शहरों में उसको और लिंक करने के लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया। इस बजट के अंदर जो किसान लंबे समय से सोच रहा था कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना का कोई सिस्टम बनेगा, C2+50% के फार्मूले से MSP को डबल किया जाएगा, उसके लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 750 किसानों ने शहादत दी। आज भी शंभू बॉर्डर पे पंजाब हरियाणा और देश के अलग अलग क्षेत्रों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान परेशान है, सड़क पे है। इस बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है।